जब भी हम लोग कोई नया चीज़ अपने घर में लाते हैं ना, तो वो सब हमारे लिए कोई चीज़ नहीं रह जाता, बल्कि हम इससे इमोशनली बहुत अटैच्ड हो जाते हैं। सिमिलरली ये देख लो मेरा बाईसाइकिल, जिसको मैंने क्लास 9th पे ख़रीदा था। आज इस साइकिल को 5.5 साल हो चुके हैं। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली गाइस, जब भी मैं इस साइकिल को देखता हूँ ना, तो मेरी सारी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं भी इस साइकिल से बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ। रिसेंटली मैंने इस साइकिल का रिपेयरिंग करवाया और मैंने डिसाइड किया चलो दोस्तों के साथ थोड़ी दूर चलते हैं इस साइकिल से, वैसे भी बहुत बोर हो रहा हूँ। इसलिए मेरे और मेरे कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम आगरतला एयरपोर्ट विजिट करेंगे थ्रू साइकिल। पिछले हफ्ते से लेकर आज तक कोई भी बारिश का नामो निशान नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग आज निकले हैं, देखो आसमान का क्या हाल है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। भगवान से बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि यार चाहे कुछ भी हो लेकिन बारिश ना हो बस। ये लो भाई साहब, आखिर में जिसका डर था वही हुआ, फाइनली हमको बारिश का सामना करना ही पड़ा गाइस। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लोंगकामुरा अल्पना ग्राम में, और यहाँ पर आने के बाद हमें हमारी जर्नी थोड़ा सा रोकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। और इधर प्रदीप और निर्मय बेचारा टायर्ड हो गया। क्या हुआ निर्मय बाबू? नहीं एक्चुअली बहुत दिनों बाद साइकिल लेके हम लोग निकले हैं ना, करीबन 1 साल बाद, इसलिए अचानक से इतनी मतलब दूर आने के बाद थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही है अभी। अब देखते हैं कि ये बारिश कब ख़त्म होती है, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आगरतला बरतला से आगरतला एयरपोर्ट ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड सच बताऊँ दोस्तों, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोगों ने 10 किलोमीटर पैडल मार के एयरपोर्ट आ पहुँचे। एंड इस एयरपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि इसके सामने जो है ना बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा। आई थिंक मैंने इस तरीके का गार्डन जो है ना वो मैंने बाकी सारे एयरपोर्ट्स में नहीं देखा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ वेस्ट बंगाल की जो एयरपोर्ट हैं, जो कि बहुत पॉपुलर है त्रिपुरा के लोगों के लिए, उसके सामने भी इतना अच्छा जगह नहीं है जितना इस एयरपोर्ट के सामने। यहाँ पर मुझे पहले ये बताओ कि ये सीलिंग फ़ैन किसने लगाया, इतना ऊपर से हवा नीचे कैसे आएगा? तो बेसिकली ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये एक्चुअली में एक छोटा कैफ़े टाइप का है जो कि एयरपोर्ट के बाहर है, और जो खाने का प्राइस है वो डिसेंट है। एयरपोर्ट के अंदर जो 400 रुपये का समोसा भी मिल जाता है, एंड खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है एयरपोर्ट के अंदर, जो कि जाहिर सी बात है। फोटोग्राफी चल रही है इन दोनों का। हमारा निर्मय बाबू थोड़ा शर्मा रहा है। निर्मय बाबू एक फ़ोटो खींच लो। आज आसमान जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो गया था। काफ़ी अच्छा है ये जगह, आज थोड़ा सुदिंग लग रहा है। सुबह सुबह थोड़ी बारिश होने के कारण तापमात्रा थोड़ा सा कंट्रोल में है, इतना भी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि अभी अभी धूप आ चुका है। एंड सच बताऊँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा ठंडा ठंडा हवा। इसके बाद हम पहुंच गए शहीद मीनार पर,
वैसे शहीद मीनार क्या है वो तो आपको वीडियो के आगे में पता चल ही जाएगा। कितना सोना है? सो गाइस ये है शहीद मीनार। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जितनी सारी सोल्जर शहीद हुए हैं उनका एक मेमोरियल है। लुक था सामने एल्बर्टेक का, बेटा पीवीसी अवार्ड परमवीर चक्र अवार्ड। तो उनका नाम एल्बर्ट एल्बर्टेक का लुक्टन नाम तने असलो क्रिस्टन है तने की क्रिस्टन ना ना तने हिंदू होई माने तने कौन रेजिमेंट थे के बिलोंग करे बंगाल से पर रीजन या बिलोंग करे माने इंडियन इंजीनियरिंग इंजीनियर डिपार्टमेंट के माने इंडियन आर्मी ना इंजीनियर डिपार्टमेंट है साइड के तीन का पार्ट बॉम्बे से पर चेन्नई मद्रास से पर बंगाल से पर तने बिलोंग करे बंगाल से पर 1971 वारे से सुमा आखौराते टैंक अटैक करसिलो तखने पाकिस्तानी जनरल ठीक करसिलो जे आगरतला आगरराडारे पुराटा टैंक दिया डिस्ट्रॉय करब तखन ताइने एकटा टैंक दिया अटकाइछे एकटा टैंक दिया सेरा आठटा टैंक रे डिस्ट्रॉय करछे। ও শুনছিলাম এই কাহিনীটা। আরে এটা ট্যাঙ্ক কত আসলো না? ট্যাঙ্ক আসলো না, পেট্রোল ট্যাঙ্ক আসলো। ইয়ো জিপের উপরে চালাকে না, পেট্রোল ট্যাঙ্ক। পেট্রোল ট্যাঙ্ক আসলো। তো পেট্রোল ট্যাঙ্কে যে আসলো তাইনে ওইটারে ক্যাপচার করছে। এই ট্যাঙ্কটা এটা পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক। 71 ট্যাঙ্ক। এটা পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক। आगरतला एयरपोर्ट से फिर से 10 किलोमीटर साइकिल चला के हम लोग इस जगह में आ चुके हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा और खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हम घर लौट जाएंगे। अभी सुबह के 10 बज रहा है एंड सूरज भी पूरी तरीके से उठ चुका है और गर्मी बहुत ही लग रही है गाइस। सो याद है कि था हमारा ये यूट्यूब वीडियो, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गर्मी के टाइम पे वीडियोस बनाना एक्चुअली में काफ़ी प्रॉब्लम है और आप लोग शायद देख भी पा रहे होंगे कि मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बना रहा हूँ। तो जिस तरीके से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट मेरे बाइसाइकिल के साथ है, आप आपके घर में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके साथ आप इमोशनली जुड़े हुए हो? वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई स्मार्टफोन नहीं बताएगा कि मैं अपने स्मार्टफोन के साथ कभी इमोशनली अटैच्ड हूँ। कोई स्मार्टफोन नहीं बताएगा। स्मार्टफोन बताओगे तो साले तुम्हारी टांग तोड़ देंगे हम। कोई स्मार्टफोन नहीं बताएगा। स्मार्टफोन के अलावा ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे कि आप इमोशनली अटैच्ड हो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किधर अभी पता नहीं ढक्कन किधर है गाइस, सॉरी।